हौसले बुलंद हो तो मंजिल मिल ही जाती है। कुछ ऐसा ही साबित किया है सहरसा के मनीष कुमार ने, जिसने अपने बुलंद हौसले के बदौलत यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा को पास कर न सिर्फ मंजिल हासिल की बल्कि कोशी जैसे पिछड़े इलाके का नाम भी रोशन किया। एक साधारण परिवार से आने वाले मनीष के पिताजी मुसाफिर सिंह एक दवा दुकान में सेल्समैन की नौकरी करते थे और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, लेकिन अचानक 2010 में निधन होने के बाद तो पूरे परिवार के भरण पोषण का दायित्व मनीष पर आ गया। छोटे उम्र से इसने प्राइवेट ट्यूशन कर परिवार का भरण पोषण करते हुए अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। कोविड काल में मनीष ने यूपीएससी की तैयारी आरंभ की और अपने पहले अटेम्प्ट में ही सफलता प्राप्त करते हुए 581वां रैंक हासिल किया है। लॉकडाउन के ड्यूरेशन में, लॉकडाउन से पहले ही मुझे लगा क्या कि नहीं जीवन में कुछ करना चाहिए, और इसी उद्देश्य के साथ फिर हम लगे, फिर देखे कि कौन सी ऐसी सेवा है जिस सेवा में सबसे बेहतरीन ये मिल सकता है, मतलब जिसमें हम समाज की भी सेवा कर सके, और जिस पृष्ठभूमि से हम आते हैं उस पृष्ठभूमि में हमको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। मुझे लगा कि ये सेवा एकमात्र ऐसी सेवा है, अगर इसमें मेरा चयन हो जाता है तो संभवतः मैं समाज के लिए भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने डिसीजन लिया और फिर 2019 में मैं इसकी प्रिपरेशन में लग गया। मनीष ने घर पर रहकर ही पढ़ाई की, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल लिया और सेल्फ स्टडी की बदौलत ही सहरसा जैसे छोटे शहर में रहकर यूपीएससी की परीक्षा को मनीष ने पास कर दिया, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। लॉकडाउन के ड्यूरेशन में, लॉकडाउन से पहले ही मुझे लगा क्या कि नहीं जीवन में कुछ करना चाहिए, और इसी उद्देश्य के साथ फिर हम लगे, फिर देखे कि कौन सी ऐसी सेवा है जिस सेवा में सबसे बेहतरीन ये मिल सकता है, मतलब जिसमें हम समाज की भी सेवा कर सके, और जिस पृष्ठभूमि से हम आते हैं उस पृष्ठभूमि में हमको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। मुझे लगा कि ये सेवा एकमात्र ऐसी सेवा है, अगर इसमें मेरा चयन हो जाता है तो संभवतः मैं समाज के लिए भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने डिसीजन लिया और फिर 2019 में मैं इसकी प्रिपरेशन में लग गया। बहुत सारे छात्रों का ऐसा शिकायत होता है कि आर्थिक विपन्नता की वजह से लोग इस तरीके की परीक्षाओं को मतलब इस तरीके की परीक्षाओं में सफल नहीं हो पाते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि नहीं, ये गलत है। अगर विद्यार्थी में दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो वो कुछ भी कर सकता है, उसको खुद पर विश्वास होना चाहिए। मुझे D1 से विश्वास था कि मैं इस परीक्षा में कुछ अच्छा कर सकता हूँ, अगर मैं अपना 100% से 1% भी कम नहीं होना चाहिए, अगर मैं पूर्णतः अपना 100% देता हूँ तो मैं यहाँ जरूर सफल होऊंगा, और वही मैंने किया और उसका परिणाम आज है कि मैं आप सभी के समक्ष। पिता की मौत के बाद आर्थिक तंगी से जूझ रहे मनीष की मदद के लिए एक डॉक्टर परिवार सामने आया, जिसकी वजह से मनीष आज सफल हो पाए। हालांकि मनीष इस रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है और अगले साल फिर से परीक्षा देना चाहते हैं, लेकिन मनीष के आत्मविश्वास पर उनके परिजनों को पूरा भरोसा था। मुझे तो पूरी उम्मीद थी, क्योंकि इसकी जो प्रतिभा थी, इसकी जो लगन थी पढ़ने की और जानकारी लेने की हर एक बात की, उसकी उससे लगता था कि ये कोई भी अटेम्प्ट और कोई भी एग्जाम को यह अटेम्प्ट में निकाल लेगा, और इसका भी पूरा विश्वास था इसको कि मैं बार बार ये कहता था कि मैं भैया फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपीएससी क्रैक करूंगा। आर्थिक तंगी से जूझते हुए जिस तरीके से मनीष कुमार ने यूपीएससी की परीक्षा पास की है, वो छोटे शहरों के छात्रों के लिए एक मिसाल बन गए। बिना किसी कोचिंग सेंटर में गए और बिना ट्यूशन पर ही सेल्फ स्टडी की बदौलत इस कठिन परीक्षा को पास कर मनीष ने एक मुकाम हासिल किया है।